जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपने महाभारत में कई प्रसंग सुने होंगे, लेकिन एक प्रसंग ऐसा भी है जिसमें वो दुराचारी जिसके मांस के टुकड़े को देखकर द्रौपदी को हुआ था संतोष। हम बात कर रहे हैं अधर्मी कीचक के बारे में, जिसने पांडवों के विशाल नगर में अज्ञातवास के दौरान महादासी शैलाद्री के रूप में रह रही द्रौपदी पर कुदृष्टि डाली थी और उन्हें काम इच्छा से स्पर्श करने की हिम्मत की। तब द्रौपदी ने इस घटना का पूरा वृत्तांत भीम को बताया। तब भीम ने द्रौपदी से कहा, रात में कीचक को नृत्यशाला में अकेले बुलाना। जब रात हुई तो कीचक द्रौपदी को पानी की इच्छा लिए उस कक्ष में आया। वहां उसका स्वागत महाबली भीम ने लात घूसों से किया। बाहर ब्रहन लला के रूप में नृत्य कर रहे अर्जुन व अन्य पांडवों ने शोर करके कीचक की मृत्यु का एक भी स्वर बाहर नहीं आने दिया। भीम ने कीचक का वध करके उसे मांस का गोला बना दिया था। कीचक की ऐसी हालत देख कर द्रौपदी को संतोष हुआ। महाभारत कालीन कीचक व द्रौपदी कालीन ये प्रसंग स्पष्ट बताता है कि किसी की भी बहन, बेटी या पत्नी पर बुरी नजर डालने वालों की क्या सजा होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।